सोशल मीडिया पर हरियाणा की कथावाचक देवी चित्रलेखा की कुछ तस्वीरें इस दावे के साथ शेयर की जा रही हैं कि उन्होंने एक मुस्लिम युवक से शादी की है जो उनका कभी ड्राइवर था। साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि चित्रलेखा ने अपने पति के मुस्लिम होने की सच्चाई भी इसलिए छुपाई कि उनका कथा सुनने का भी काम चलता रहे। भारतीय हिंदू के नाम से फेसबुक अकाउंट द्वारा किए गए पोस्ट में लिखा कि अजान की आवाज के प्रति प्रेम अब आया समझ में। मोहतरमा चित्रलेखा का शौहर, जी आपने सही पढ़ा, आपने शौहर यानी पति हस्बैंड का भी चित्रलेखा का ड्राइवर था और मुस्लिम है। शादी के बाद हिंदू नाम माधवराज रखा गया ताकि कथा बेचने की दिक्कत ना हो और धंधा आराम से चलता रहे, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। फैक्ट चेक। वायरल तस्वीर की जब हमने सच्चाई जानने की कोशिश की तो रिवर्स इमेज करने पर पाया कि देवी चित्रलेखा ने अपनी आधिकारिक फेसबुक अकाउंट से 2 जून 2020 को उपरोक्त दावे का खंडन किया। उन्होंने लिखा, गलत अफवाह को खारिज किया गया। दिनांक 23 मई 2017 को गोसेवा धाम हॉस्पिटल के ही पावन प्रांगण में देवी चित्रलेखा जी का विवाह बिलासपुर छत्तीसगढ़ के कश्यप गोत्रीय कान्यकुबल ब्राह्मण परिवार में श्री अरुण तिवारी जी के सुपुत्र श्री माधव तिवारी जी के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ। कृपया अफवाहों को नजरअंदाज करें। हमारे इस फैक्ट चेक से साबित होता है कि कथावाचक देवी चित्रलेखा के मुस्लिम युवक से शादी करने का दावा झूठा और भ्रामक है। ऐसे और फैक्ट चेक के लिए देखते रहें डी फ्रैक।